हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों हम यहां पर अनबॉक्सिंग करेंगे Realme की तरफ से आने वाला Realme 11 Pro 5G फ़ोन। दोस्तों ये Flipkart से मैंने मंगाया है, इसका करंट प्राइस 24,000 है, पर अगर आप बैंक डिस्काउंट लगाए तो आपको ये 23,000 का पड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या इस फ़ोन के साथ आपको मिलता है, कैसा ये फ़ोन है। तो दोस्तों यहाँ पर फ़ोन की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको फ़ोन का जो बॉक्स पैकेजिंग है वो देखने को मिलता है। पहले दोस्तों कुछ डिटेल में आपको बताना चाहूँगा, इस फ़ोन का नाम है Realme 11 Pro 5G फ़ोन। दोस्तों यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ वाला कर्व्ड विजन डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। दूसरे फ़ोन के अंदर दोस्तों कर्व्ड डिस्प्ले आपको नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों 100 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको देखने को मिलता है OIS सपोर्ट के साथ। साथ में दोस्तों MediaTek का Dimensity 7050 5G चिपसेट आपको इस फ़ोन के साथ देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये 67 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट करता है, हालांकि आपको इन द बॉक्स 80 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाएगा और 5000 mAh का बैटरी इस फोन के साथ आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अनबॉक्स करते हैं इस फोन को और देखते हैं कि अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले बॉक्स के अंदर एक इसका शायद केस देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन के साथ आपको प्लास्टिक कवर भी इन द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम इजेक्टर टूल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट कवर इसके साथ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको मेन हमारा जो फ़ोन है वो देखने को मिलता है, वो प्लास्टिक कवर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं भाई अंदर क्या क्या है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ोन 67 वोल्ट सपोर्ट करता है, पर फिर भी आपको कंपनी वालों ने 80 वोल्ट का चार्जर दिया है। साथ में दोस्तों यहाँ पर टाइप सी का चार्जिंग केबल भी आपको देखने को मिल जाता है। चलिए हम इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं भाई फ़ोन कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके से आपको Realme 11 Pro का देखने को मिल जाता है। हालांकि भाई डिज़ाइन के अंदर हम बोले तो भाई 10/10 आपको देखने को मिलता है। दूसरे फ़ोन के अंदर दोस्तों अभी तक शायद आपको ऐसा डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों बैक पैनल पूरा लेदर का आपको देखने को मिलता है। अगर आप ब्लैक कलर बाय करेंगे तो भाई उसके अंदर आपको सिंपल प्लास्टिक बैक आएगा, पर अगर आप ये सनराइज बेज और दूसरा एक ग्रीन कलर है उसको बाय करते तो उन दोनों कलर के अंदर आपको यहाँ पर लेदर टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो 100 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर आपको OIS सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाएगा। दूसरा सेकेंडरी कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। फर्स्ट स्पीकर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट माइक नीचे देखने को मिल जाएगा और सिम स्लॉट आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में दोस्तों वॉल्यूम रिकवर एंड पावर की आपको देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड के अंदर आपको कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ऊपर बात करें तो सेकेंडरी माइक एंड सेकेंडरी स्पीकर यानी कि भाई ड्यूअल स्पीकर ये फ़ोन सपोर्ट करता है डॉल्बी एटमोस के साथ। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात करते स्क्रीन की और कैमरा की, फ्रंट कैमरा की। तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, दोस्तों मैंने इसको पूरा सेटअप कर लिया है। अभी दोस्तों यहाँ पर बात करें भाई फ़ोन की और फ़ोन के डिस्प्ले की, तो भाई डिस्प्ले के अंदर भाई क्या कहना, इस फ़ोन का जो मेन खासियत आपको लगेगा वो इसका डिस्प्ले, क्योंकि 7.6 इंच का आपको यहाँ पर फुल कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसका फिंगरप्रिंट भी दोस्तों फास्ट है, यहाँ पर आप देख सकते फिंगरप्रिंट, जैसे ही आप फिंगर प्लेस करते हैं भाई आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। और भाई डिस्प्ले की बात करें तो भाई ये कर्व्ड वाला फीलिंग भाई दूसरे फ़ोन के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। 20-25 हज़ार की रेंज में दोस्तों आपको दूसरा कोई भी कंपनी कर्व्ड डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं करेगा। तो भाई अभी बात करते इसके सॉफ्टवेयर के बारे में, तो दोस्तों इसके साथ आपको Realme UI 4 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर इन द बॉक्स आपको Android 13 देखने को मिलता है। कंपनी शायद 2 साल का इसके साथ मेजर जो Android अपडेट है वो प्रोवाइड करने वाली है। यहाँ पर दोस्तों सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ब्लोटवेयर आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा, हालाँकि आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं भाई। पर यहाँ पर मेन जो मुझे डिसअपॉइंटेड
बात लगी वो ये है कि इसके साथ भाई रियलमी डायलर आपको देखने को नहीं मिलता है, ना तो आपको ओप्पो का डायलर मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा गूगल डायलर, जिससे भाई हम कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं पर थोड़ी सी दिक्कत होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो भाई रियलमी UI 4 है तो इसके साथ आपको कोई भी लेगिंग वगैरह देखने को नहीं मिलता है, फ़ोन स्मूथली रन करता है अगर आपने 120 हर्ट्ज पर सेट किया है। चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं इस फ़ोन का कैमरा कैसा है, तो भाई 100 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलता है, इसका जो प्लस वर्जन है उसके साथ 200 मेगापिक्सल मिलता है, पर इस फ़ोन के साथ हमें 100 प्लस 2 जो मेन सेंसर है वो देखने को मिल जाता है बैक पैनल में। दोस्तों फ़ोटो को देखने से पहले मैं आपको रियलमी UI के कुछ फंक्शन है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो इसके अंदर दोस्तों आपको जो नॉर्मल फ़ोन में देखने को मिलता है पोर्ट्रेट वीडियो वगैरह वो सब कुछ मिल जाएगा, नाइट मोड भी देखने को मिलता है, और एक्स्ट्रा दोस्तों कुछ आपको मोर के अंदर दूसरे फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ड्यूअल वीडियो हो गया, कुछ फिल्टर वाले फोटोज़ हो गए, तो वो सब आप इस फ़ोन के साथ कर पाएंगे रियलमी UI 4 की मदद से। दोस्तों यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हो वो मैंने सेल्फी कैमरा से लिया है, दोस्तों इसका सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है तो डिसेंट क्वालिटी का आपको फ़ोटो खींच के देगा। अगर आप आउटडोर बात करें तो आउटडोर आपके अच्छे फ़ोटो आ जाएंगे, इनडोर बात करें तो भाई आपके घर के अंदर इतने अच्छे फ़ोटो शायद नहीं आएंगे। उसके बाद दोस्तों ये आप जो फोटो देख रहे हो मैंने इसका जो 100 मेगापिक्सल का कैमरा है उससे लिया है, तो भाई पोर्ट्रेट मोड के अंदर अच्छा खासा बूके इफेक्ट देखने को मिल जाता है, कलर्स वगैरह भी अच्छे लगे, पर इतना प्राइस के हिसाब से भाई इतना आपको अच्छे फोटोज ये खींच के नहीं देगा, डिसेंट फोटो आप बोल सकते। तो दोस्तों बस यही है हमारा Realme 11 Pro 5G फ़ोन, दोस्तों फुल पैकेज के साथ आता है क्योंकि 24,000 के अंदर आपको लेदर बैक पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो भाई फुल कर्व्ड डिस्प्ले आपको 24,000 के रेंज के अंदर प्रोवाइड करेगा, ऑन स्क्रीन आपको फिंगरप्रिंट सपोर्ट देखने को मिलता है। दूसरी बात करें तो भाई 100 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, 80 वोट का आपको चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, 67 वोट तक ये चार्जिंग सपोर्ट करता है। साथ में दोस्तों कई सारे दूसरे फीचर इस फ़ोन के अंदर भरे हुए हैं, अगर आपको लेना है तो भाई फ्लिपकार्ट पर जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर इसका सेल चल रहा है। बाकी दोस्तों वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट में बताइए। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।